स्टूडेंट हम लोग कुरानखंड पढ़ रहे थे परीक्षा के पहले। अब इसी कुरानखंड में एक और मंत्र डालकर कुरानखंड तैयार करने के लिए है। इसको देखो, जैसे ये दिया है एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। इसको हम लोग को कुरानखंड करना है। तो हम ये दोनों में से देखते हैं कि क्या कॉमन होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें इसमें कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिए तो इसमें से केवल एक्स बचा, और इसके जगह पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है तो एक बचा। यहाँ कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं 16 वाई स्क्वायर इसमें भी 16 वाई स्क्वायर इसमें भी जो इसमें कॉमन लेते हैं। तो 16 वाई स्क्वायर कॉमन जब ले लिए तो यहाँ पर केवल वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, केवल एक्स बचा और इसमें एक बचा तो एक्स माइनस वन, बाहर माइनस इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो गया। अब एक्स माइनस वन इसमें भी इसको कॉमन ले लिए तो यह हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। इसको एक्स माइनस वन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 वाई स्क्वायर, चल चलते 16 वाई स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तो एक्स माइनस वन हो गया यहाँ एक्स वाई प्लस 4 वाई और एक्स वाई माइनस 4 वाई हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले पर इसको प्लॉट करके रखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्स माइनस वन इसमें ये दोनों में वाई कॉमन है तो वाई कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस वन बचा, और ये दोनों में वाई कॉमन है तो वाई इसमें भी कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस फोर बचा। अब एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर ये दोनों यहाँ वाई है वाई है तो वाई स्क्वायर हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर और वाई वाई को लग गया तो वाई स्क्वायर। यह आंसर है। इस तरह से और हम लोग कुरानखंड बनाएंगे।